अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्री टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। शहरों के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त सख्ती से मना है। ज़िला इंतजामिया के अहकाम के बावजूद लोग शहरों के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया के अहकाम जारी करने के बावजूद ज़िला इंतजामिया के अहकाम की धचकियाँ उड़ा दी गयी। लोग सरेआम शहरों के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ अमल है। जी तो नाज़रीन, यहाँ कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी आप ये बताइए कि आप मंडी जाकर जानवर क्यों नहीं खरीद रहे, आप यहाँ जानवर क्यों खरीद रहे हैं? जिला इंतजामिया ने तो सख्ती से शहरों के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त को मना किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? वो मना इस तू है जी, शहर लेंदे जग्गा टैक्स है, जेड़े मंडी बेचने माल जरा खड़ोता वा ना जी, वह तां वा तो शहर लग नहीं रहा माल, तो मंडी जी है ना वो तेज वा जी, इत शहर माल खड़ा वा ना, ये थोड़ा सवला मिल जाता वा, वारे का माल मिल जाता वा, किराया तो लैनी वा ना जगह लाख रुपए की, दस बकरियां का खर्चा पैना वा, इतने फिर खर्चा को नहीं पैंदा बकरियां ते जी, ये तां वा तो बकरे शहर में लग रहे वा, वो तो खर्चा उत्ते चढ़ रहा वा। आप ये कहना चाहते कि मंडी की निस्बत शहरों में रेट जरा कम है? हाँ जी, शहर में काम जड़ा वा ठीक वा सवला वा, इत तो बकरा बारह मिल जाता, तुझे नहीं कि 55,000 का मिलना वा, ये तू 50,000 का मिल जाना वा, 5,000 रुपया खर्चा उत्तर मंडी के उत्ते चढ़ जाता वा बकरे ते। आप ये बताइए कि मंडी के रेट्स और शहरों के अंदर जो रेट्स हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिये जी, मंडियों में इस टाइम रेट बहुत ज्यादा है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं, और ताज्जुब इस बात का है कि लोग कैसे कुर्बानी करेंगे, लेकिन ये है कि जो सड़कों पे लेके फिर रहे हैं जानवर, वो कतरे निस्बत बेहतर रेट पे कुछ मिल रहे हैं। जैसे आप ढूंढे तो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगे मंडियों से, क्योंकि मंडियों में उनका काफी ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है जो व्यापारी है, तो इस वजह से वहां पे कुछ रेट ज्यादा है। तो मैं तो शहरियों को यही कहूंगा कि घूमते फिरते अपनी कुर्बानी का जानवर खरीद लें और अच्छे मुनासिब रेट पे। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों और मालकान की राय जानी। लोगों का कहना है कि मंडी की निस्बत शहरों के अंदर रेट्स कम है, और मालकान हजरात का कहना है कि मंडी के अंदर जगह का और खाने पीने का और बकरों का और जानवरों का और जानवरों के पट्टों का खर्चा भी है, जो सारा जानवरों पर ही पड़ता है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।